दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन, वो भी गेहूं के आटे से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट और स्पंजी है, और यकीन मानिए दोस्तों ये गेहूं के आटे से बना है, ना ही इसमें कंडेंस मिल्क का यूज है और ना ही क्रीम का। और मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितनी सॉफ्ट है, और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर अंदर से भी कितना अच्छा है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी की वीडियो लेके आती रहूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोमा, कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट में लेंगे एक कप गेहूं का आटा। मैंने एक छोटे कप से गेहूं का आटा लिया है, और अब हम इसमें मिक्स करेंगे 5 रुपये वाला मिल्क पाउडर, और हम इसमें 2 पैकेट मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर को। एक कप आटे से हम 10 गुलाब जामुन बनाएंगे। दोनों पैकेट को हम इसमें डाल देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका हम डो तैयार करेंगे। दोस्तों डो हमें ना तो ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है और ना ही ज़्यादा हार्ड बनाना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका डो तैयार करेंगे, हाथों से यूँ मसल मसल कर हम इसका डो तैयार करेंगे, कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लेंगे और डो के ऊपर हम इसे अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि डो बिल्कुल भी प्लेट में ना चिपके और ये अच्छी तरह से स्मूथ और चिकना भी हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों अब ये बिल्कुल भी बर्तन में चिपक नहीं रही है, तो इस तरह से हम इसे हाथों से मसल मसल कर इस तरह से इसका हम डो तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं ये डो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही हार्ड है, तो डो बनकर तैयार है बिल्कुल। इस तरह से हम डो तैयार करेंगे, और अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चीनी लिया है, ये लगभग 150 ग्राम चीनी है, और अब हम इसमें उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डालेंगे और गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। और हम इसमें फ्लेवर के लिए 7 से 8 केसर के रेशे को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और हाई फ्लेम पे हम चाशनी को पकाएंगे। चाशनी को हमें बस उतना ही पकाना है जब तक ये हाथों में चिपकने ना लगे। हाई फ्लेम पे हमें चाशनी को पकाना है। चाशनी बनकर तैयार है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और अब हम इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से हाथों से मसल मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह से। इसे हम हाथों से फैलाते हुए इसे हम बड़ा करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसे हम बड़ा कर लेंगे। और अब हम इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक साइज का इसमें हम कट लगाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं एक कप गेहूं के आटे से मैंने 10 गुलाब जामुन बनाया है। अब एक टुकड़े को हम यूँ उठाएंगे और हाथों को हल्का हल्का प्रेशर देते हुए इसे हम राउंड शेप में, इसको हम बॉल बनाएंगे। राउंड शेप का हमें बॉल बनाना है, हाथों को हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल ही हल्के हल्के हाथों से इसे दबाते हुए हम इसका बिल्कुल ही स्मूथ बॉल तैयार करेंगे, कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रेशर देकर हम बॉल तैयार करेंगे तो गुलाब जामुन हमारा हार्ड बनेगा, गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना चिकना बना है और बिल्कुल ही स्मूथ है, बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं है। इसी तरह से हम
सारे बॉल को बनाकर तैयार करेंगे। हल्का हल्का हाथों को घुमाते हुए हम सारे बॉल को बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम पैन में रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करेंगे हम ऑयल को। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम बॉल को, सारे बॉल को फ्राई करेंगे। सारे बॉल को हम रिफाइन ऑयल में डाल देंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि बॉल को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर हम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर कच्चा ही रह जाएगा और गुलाब जामुन आपका हार्ड भी हो जाएगा। गुलाब जामुन बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, इसलिए हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इस तरह से इसे हम यूँ घुमाते रहेंगे और आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट में ही सारे बॉल फ्राई हो जाएंगे। कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। इसी तरह से आप भी अपना गुलाब जामुन फ्राई कीजिएगा। सारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल कर और सीधा हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। देख सकते हैं आप दोस्तों, गुलाब जामुन में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है और ये कितना स्मूथ बना है। सारे गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देंगे। सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दिया है मैंने और अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट गुलाब जामुन को चाशनी के साथ पकाएंगे ताकि गुलाब जामुन चाशनी को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर सके। और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढक देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो देखा ना दोस्तों आपने, गेहूं के आटे से कैसे मिनटों में गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गया, वो भी 1 कप गेहूं के आटे से 10 गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गया। दोस्तों अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो, मिल्क पाउडर ना हो, तो आप गेहूं के आटे से भी इतनी टेस्टी और इजी गुलाब जामुन बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 1 लाइक 1 शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। दोस्तों अगर आपको किसी और रेसिपी की भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।